डिजिटलाइज निस्मा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शाह आजमगढ़ में फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा आजमगढ़ में सत्र 2022-23 के लिए बीएमएस में एडमिशन शुरू। मैक्सिम लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर बिलरिया की चुंगी। हमारे यहाँ जो है सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, एफएनएसी, लीवर एब्सेस, एब्सेस ड्रेनेज, पिकटेल, कॉमेट टेल, डॉपलर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां पवई थाना क्षेत्र के ग्राम जल्दीपुर का रहने वाला पीड़ित राकेश पुत्र धर्मराज न्याय की गुहार लेकर पुलिस कप्तान अनुराग आर्य आजमगढ़ के कार्यालय पर पहुंचा। पुलिस कप्तान आजमगढ़ को दी गई तहरीर में राकेश कुमार ने उल्लेख किया है कि वह बीते दिनों 8:12:22 की शाम 6 बजे मार्केट से घर आ रहा था कि रास्ते में उसके विपक्षी सुरेश पुत्र रामपलट और प्रमोद पुत्र सुरेश ने लाठी डंडे और लात मुक्के से इतना मारा पीटा कि जिससे मेरे सर में चोट आई और पेट में इतना मारा कि पेट की आंत फटकर दो पार्ट में हो गई थी। राकेश कुमार ने पुलिस कप्तान जिला आजमगढ़ अनुराग आर को दी गई तहरीर में ये भी उल्लेख किया है कि पवई थाने में दी गई तहरीर पर धारा 323, 504 और 506 दर्ज हुई और बाद में धारा 308 बढ़ाई गई। राकेश कुमार ने तहरीर में ये भी उल्लेख किया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मुलजिमान खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कप्तान आजमगढ़ अनुराग आर से मिलने के बाद बाहर आए राकेश कुमार और उनके भाई ने खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस कप्तान अनुराग आर के कार्यालय के बाहर और यहाँ पे एक पीड़ित पहुँचे हुए हैं जिनका नाम राकेश कुमार है। आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है? आपकी मुलाकात कप्तान साहब से हुई है? हाँ, हुई कप्तान साहब। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ करने वाले हैं? जल्दीपुर पवई थाना पवई। क्या मामला है, आप यहाँ पे आए हुए हैं? आपने दरखास्त दिया एसपी साहब को? हाँ, एसपी साहब को दिया दरखास्त। क्या मामला है पूरा? मामला मारपीट का था। मारपीट का है? हाँ। किस तारीख का है? 8 तारीख अगले महीने का था। किस मामले को लेकर, किस विवाद में जो ये मारपीट हुई थी? वो जमीन विवाद में। फिर क्या हुआ? वो लोग, जैसे मैं मार्केट से आ रहा था, 6:30 बजे का टाइम था, वो लोग मेरे भाई गाली दे रहे थे, तो मैं उनसे रुक के पूछा क्यों गाली दे रहे हैं, बस इसकी वजह से मार के नाले में फेंक दिए थे। इस मामले में थाने पे आप गए, शिकायत की, आप मुकदमा दर्ज है कि नहीं? दर्ज नहीं, दर्ज है। फिर आप क्यों आए हैं यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए? एसपी, अब वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा तो यहाँ से करेंगे। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जल्दीपुर, राकेश के बड़े भाई हैं। पिताजी का नाम? धर्मराज। क्या मामला है कि आज यहाँ पे आना पड़ा? मामला है सर, जैसे हम वहाँ जमीन लेना चाहते थे, किसी कारणवश जमीन नहीं ले पाए, मान लीजिए जमीन दूसरा कोई ले लिया, उसके बाद इन्होंने हमको गाली दे रहे थे। मेरा भाई मार्केट से आ रहा था, उसके बाद इन्होंने पूछा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, मार पीट कर बाहर में फेंक दिया जी। फिर क्या हुआ, थाने पे आप गए? हाँ, उसके बाद हम इनको लेकर समुदाय केंद्र गए, उसके बाद वहाँ से आए, एक प्रार्थना पत्र थाने पर दे दिए। इनकी हालत गड़बड़ थी, हम शाहगंज ले जाकर इनका इलाज किए। किस चीज़ से मारे थे? लाठी और पैर से। कहाँ पर मारे थे आप? यहाँ सर फट गया था और पेट में आंत फटकर दो खंडे में हो गई। तो इसका मुआयना वगैरह हुआ था? मेडिकल मुआयना हुआ है। ये दोनों भाई पुलिस कप्तान अनुराग आर के कार्यालय पर पहुंचे हुए थे और मुलाकात भी हुई है। अब देखना है कि इस मामले में कार्रवाई कब होती है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।